हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये खूबसूरत मेकअप का लुक दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे डार्क कम्प्लेक्शन वाली क्लाइंट आ जाती तो आपको उसको कैसे मेकअप करना है आज के वीडियो में सिखाऊंगी। सबसे पहले जी मैं इधर यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर बहुत ही ज़रूरी है। जब आप प्राइमर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और आपका जो बेस है वो ज़्यादातर तक स्टे भी करता है और साथ में आपका जो बेस होता है वो अच्छे से चलता भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करते तो आपका बेस है वो 2 से 3 घंटे चलेगा। अगर आप प्राइमर यूज़ करते हैं तो आपका बेस जो है वो 8 घंटे तक भी स्टे करेगा। मोस्टली लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है जी, उनका बेस स्टे नहीं करता। तो सबसे बड़ी वो गलती करते हैं, वो प्राइमर को स्किप कर देती हैं और प्राइमर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। इस वजह से उनका बेस फट जाता है। तो काइंडली आप प्राइमर यूज़ करो और प्राइमर भी स्किन के हिसाब से ही यूज़ करना होगा आपको। प्राइमर लगाने के बाद आपको 2 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद फिर आपको कंसीलर या कलर करेक्टर लगाना है। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, क्योंकि इनके फेस के ऊपर इतने ज़्यादा तो नहीं लेकिन मीडियम कलर के निशान हैं। वो मैं यूज़ करूँगी जी ब्रश की मदद से। आप इसको अपने फिंगर की मदद से भी लगा सकते हो, क्योंकि ब्लेंडिंग उससे ज़्यादा अच्छी होती है, आपका काम जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्रश की मदद से भी लगाते हो तो वो भी ठीक है। तो ब्रश आपको इस तरह का क्रीमी शेड के जो ब्रशेज होते हैं उसकी मदद से लगाना है। ब्रश की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है। अगर आप बिगनर्स हो तो काइंडली वो ब्रश की वीडियोस देखो ताकि आपको ब्रशेज के नाम याद हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके बाद जी मैंने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से एप्लीकेशन कर दी है और इधर मैं लिक्विड बेस यूज़ कर रही हूँ जी सिटी गर्ल के नाम पे। आपको ये इजीली मार्केट से मिल जाएगा और ये इनके स्किन के साथ मैच करता है। आपको जब फाउंडेशन लेना है तो 1 टोन आपको लाइट लेना है आपकी स्किन से, क्योंकि आधे घंटे के बाद आपका जो बेस होता है वो आपके नेचुरल शेड से मिलना शुरू होता है। आपको ज़्यादा फेयर या बिल्कुल सेम नहीं लेना। अगर आप बिल्कुल सेम लोगे तो वो उससे भी आपका बेस काला पड़ना शुरू हो जाएगा। जब भी आप फाउंडेशन परचेज करते हो तो काइंडली अपने स्किन टोन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग शेड उठा लोगे तो फिर आपका रॉन्ग ही बेस बनेगा। अच्छे से एप्लीकेशन कीजिए। मैं इधर ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छे हैं और इनसे हमारा जो बेस होता है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर डिजर्व हो जाता है और उसकी टैपिंग अच्छी होती है। आप जब ये एप्लीकेशन करते हो तो आपको अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर उसको गीला करना है। आपको खुश ब्यूटी ब्लेंडर से कभी भी टैप नहीं करना। फाउंडेशन लगाने के बाद जी अभी मैं इधर यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर। आप कंपनी पे मत जाओ, आप सिर्फ शेड उसका देखो कि आप लोगों को किस तरह के शेड परचेज करते हैं। कभी कभी बच्चियाँ इस तरह के जो फेस पाउडर है वो लेने से घबराती हैं कि हम लोग काला ना लगना शुरू हो जाए। अगर आपके पास कोई भी रॉन्ग शेड आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन से ज़्यादा फेयर आ जाता है, उसके लिए आप लोगों उसके ऊपर इस तरह के जो फेस पाउडर लगाओगे उससे भी आपका बेस सही हो जाएगा। इसके बाद जी मैं यूज़ कर रही हूँ इधर बनाना पाउडर। ये बहुत ही अच्छा, ये सभी स्किन पे जाएगा। जब आप फाउंडेशन लगाने के बाद आईज मेकअप करते हो तो आपको नीचे लूज पाउडर रखना ज़रूरी होता है, ताकि आपका कोई भी शेड गिरे तो वो आपके लूज पाउडर पे गिरे। सबसे पहले जी इधर मैं अप्लाई करूँगी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का ये हाइलाइटर है और ये मैं अप्लाई कर आईब्रोज के नीचे और इसके बाद जी मैं इनर कॉर्नर पर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये एप्लीकेशन आप लोग जब करते हो तो अगर इसके अंदर कोई जरे हो जाती हैं तो आप इसको ब्रश की मदद से भी ब्लेंड करते हो। ये क्रीमी ब्रश है, आप इसको अपने फिंगर के अपने हाथ की उंगलियों की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद जी अच्छे से लगाने के बाद इधर मैं आई शेड पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ये 2 शेड उठा रही हूँ। सबसे पहले ये मैं लाइटर शेड लूँगी और इस सॉकेट लाइन बनाऊंगी। जैसे फेस के लिए कंटूरिंग ज़रूरी है, वैसे ही आईज के लिए सॉकेट लाइन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी इसको स्किप नहीं कीजिए। अपने आईज ब्रो को हल्का सा ऊपर उठाइए और फ्लफी ब्रश की मदद से डार्क शेड है वो इसके ऊपर हल्का हल्का अप्लाई करिए। आपको एकदम से ज़्यादा भर भर के शेड नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा शेड लीजिए और जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे लूज पाउडर पर गिर जाएगा। अच्छे से ब्लेंड कीजिए और दोनों आईज पे आपको सेम टेक्निक से ब्लेंड करना है। पहले आपको लाइट जो शेड है वो उठाना है और सॉकेट लाइन बनानी है, उसको स्किप नहीं करो। और इसके बाद फिर से वो फ्लफी ब्रश इसके साथ अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिए। और अच्छा, जब तक आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे आपका जो मेकअप है वो बहुत बुरा लगेगा। अक्सर लड़कियों का मेकअप में वो लाइनें लाइनें होती हैं तो वही आपके मेकअप को ख़राब कर देती हैं। आप
अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ब्रश की मदद से ब्लेंड करते हो, अपने फिंगर की मदद से भी कर सकते हो। इसके बाद इधर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इधर कट क्रीज क्रिएट करना है। अगर आप लोग मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करते तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। कॉटन ब्रश की मदद से हल्का सा मेकअप रिमूवर लेके आपको एक क्रीज क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद लाइट शेड का जो लिक्विड बेस है उसको अप्लाई करना है। आप इस पे पैनकेक भी यूज़ कर सकते हो, टीवी स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिक्विड बेस अगर आप यूज़ करोगे वो आपके लिए ज़्यादा इजी है। अच्छे से सारा इसको हम फिल करेंगे। इसके बाद आपको कोई से भी वेलवेट शेड लेना है। मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी जी, वेलवेट शेड है इसको बोलते हैं हम लोग, और इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और इसके बाद जो लाइटर टोन का शिमरी शेड था वेलवेटी, वो भी अप्लाई करूँगी मैं। आप लोगों को इसलिए डिटेल से बताती हूँ, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जी एक शेड दिखा के फिर हम दो अप्लाई करते हैं तो बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बनाया। अगर आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इसके बाद जी वही शिमरी शेड को लेते हुए मैं इसके ऊपर से नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरत है, अगर आप शिमरी शेड भी लगाते हो तो घबराओ नहीं। कभी कभी लड़कियों को लगता है शायद शिमरी शेड जो हम अगर ब्लेंड कर देंगे तो वो उड़ जाएंगे या गिर जाएंगे, लेकिन आप कम क्वान्टिटी में शेड उठाओ और अच्छे से ब्लेंड करो तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद इधर मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा ग्लिटरी पैलेट है, आप इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं फिंगर की मदद से हल्का हल्का सा ऊपर अप्लाई करूँगी, ये आपके मेकअप को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। ओके, जिसके बाद हम लोग जेल लाइनर यूज़ करेंगे आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। और आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप आईब्रोज़ को फिल नहीं करते तो आपका मेकअप अधूरा रहता है। सो पुली की मदद से आपको ब्लेंड करना है, साथ में आईब्रो मस्कारा आपको यूज़ करना है। और क्योंकि इनकी आईब्रो बहुत ही बारीक थी सो मैंने उनको थोड़ा सा मोटा किया है, और देखिए आप कितना फ़र्क लग रहा है दोनों आईब्रोज़ में, और खूबसूरत लग रही है आईब्रो फिल होने के बाद। ओके, जिसके बाद हम लोग सारा जो पाउडर था बनाना पाउडर लूज़ पाउडर उसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद वही डार्क शेड में आइज़ के नीचे अप्लाई करूँगी, और हल्का हल्का आपको लेके सारा अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड कीजिए। और इसके बाद मैं मिस रोज़ वालों का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, आप इसके जगह वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। वाइट काजल के जगह आप लोग ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हो, वाइट काजल से आंखें थोड़ी मोटी मोटी दिखती हैं। इसके बाद जी मैं लैशेस कर्ल लेके लैश को कर्ल करूँगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा। आई लैशेस लगाने से पहले आपको मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना है, और ताकि आपका जो एक्स्ट्रा आई शेडो उसके ऊपर गिरा है वो रिमूव हो जाए, साथ में जो आपकी नेचुरल लैशेज़ हैं उनमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। दोनों साइड से आपको एप्लीकेशन करना है। अभी हम लैशेज़ लगाएंगे जी, लैशेज़ को अच्छे से गम लगाने के बाद आप लोग आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाओगे, और आपका जो रियल लैशेज़ है उसके साथ ही आप इसको अटैच करोगे। ख़ास ध्यान रखिएगा इसमें किसी किस्म का स्पेस नहीं होना चाहिए। आप आई लैशेज लगाने से पहले बारीक सी लाइन है वो लाइनर की भी लगा सकते हो अगर आप बिगनर्स हो। लगाने के बाद जी आप इसको थोड़ी देर छोड़ दोगे, तकरीबन एक मिनट। इसके बाद जी आप लोग इसको अच्छे से अपने लैशेस के साथ फिक्स करोगे। और इसके बाद मैं लाइनर की मदद से जो फेक लैशेस है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये नेचुरल लुक दे। दोनों साइडों पर अच्छे से एप्लीकेशन करें, और जो आपने ग्लू लगाया होता है ये भी ना दिखे। अच्छे से आप एप्लीकेशन करें सेम। इसके बाद जी मैं केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जी अच्छे से लाइनर जो लगाया उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, दोनों साइडों पर ब्लेंड करने के बाद आइज़ के नीचे भी हल्का सा मैं इसी ब्लेंडिंग ब्रश को ले गई हूँ, ताकि बहुत ही सॉफ्ट लुक आए। बाद में आपको ब्लश और कंटूरिंग और फेस पाउडर फिर से करके लिपस्टिक अप्लाई करनी है, और मैं लाइट टोन का लिपस्टिक लूँगी। जब आपको अपने आईज़ का मेकअप ज़्यादा दिखाना होता है तो आप लोग लाइट शेड ही उठाते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए।